हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। चेन स्वेटर, फ्रॉक, ब्लैंकेट, लेडीज जैकेट, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन। ये डिज़ाइन सिर्फ 4 रोज़ का डिज़ाइन है। आपको ये 4 रोज़ रिपीट करना है। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 7 + 1 एज स्टेज में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 7 + 1 रॉन्ग साइड पे ऐसे दिख रहा है। देखिए, देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 7 3 × 7 = 21 + 1 एज स्टेज करके टोटल 22 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एक फंदा को एज स्टिच को स्लिप करना है। फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद धागे को आगे करना है। फर्स्ट में एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको इस थर्ड स्टिच में आपको ये दो फंदा और ये थर्ड स्टिच को ये बीच में आपको एक फंदा ड्रॉ करना है। एक फंदा एक्स्ट्रा निकालना है ये दो फंदा के आगे से। देखिए, से एक फंदा एक्स्ट्रा फंदा निकालना है। अब इस दो फंदे को सीधा बुन देना है। एक दो, दो फंदा सीधा। फिर से इस दो फंदे को भी सीधा बुनना है। एक दो। देखिए, अब फिर से आपको यहाँ से इस होल से आपको सेम होल से आपको फिर से एक फंदा ड्रॉ करना है। देखिए, एक फंदा एक्स्ट्रा निकालना है सेम होल से। देखिए, ऐसे सेम होल से आपको टोटल दो फंदा निकालना है। अब धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करना है। लास्ट में आपको इस फंदा को स्लिप करना है पॉल वाइज बिना बुने ऐसे। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार। यहाँ तक मैंने एक ही बार रिपीट किया है, इसलिए फंदा को छोड़कर एक फंदा उल्टा। फिर आपको थर्ड स्टेज और सेकेंड स्टेज के बीच से आपको एक फंदा ड्रॉ करना है। ये फिर ये दो फंदा सीधा, फिर से दो फंदा सीधा, फिर से सेम होल से आपको एक फंदा फिर से निकालना है एक्स्ट्रा। फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट में सॉरी एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट में आपको एक फंदा बिना बुने स्लिप करना है पॉल वाइज। फिर से रिपीट करना है आपको। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको इस एक सेकेंड स्टिच और एक थर्ड स्टिच के बीच से आपको एक फंदा यहाँ से देखिए एक फंदा एक्स्ट्रा निकालना है। फिर इस दो फंदे को आप सीधा बुन देना है। एक दो, फिर से दो फंदा सीधा। एक दो, यहाँ पर आपको चार फंदा सीधा आएगा। देखिए, एक दो तीन चार। फिर से आपको यहाँ से सेम होल से आपको एक फंदा फिर से एक्स्ट्रा निकालना है। देखिए, फिर धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा, अब बिना बुने स्लिप करना है लास्ट में पॉल वाइज। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, फिर एक बार लास्ट रिपीट करना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करना है। अब ये सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज के बीच से आपको एक फंदा एक्स्ट्रा निकालना है। फिर ये दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से दो फंदा सीधा, एक दो। अब फिर से आपको यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पर आपको एक फंदा फिर से सेम होल से सॉरी फिर से सेम होल से आपको एक फंदा फिर से एक्स्ट्रा निकालना है। फिर एक फंदा उल्टा, धागा आगे करके, फिर धागा पीछे करना है। लास्ट में आपको ये एक फंदा स्लिप करने की जगह आपको इसको सीधा बुन दिए।
फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको एक फंदा स्लिप करना है आज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागा आगे करना है, आगे से आपको यहाँ पर स्लिप की सॉरी एक्स्ट्रा फंदा को आप ऐसा बिना बुने ऐसे नीट वाइज ऐसे स्लिप करना है। अब चार फंदा उल्टा धागा आगे रखना है, एक दो तीन चार, अब धागा आगे रख के आपको इस एक्स्ट्रा फंदा को ऐसे नीट वाइज स्लिप करना है, फिर धागा पीछे करना है एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, स्लिप फंदा को छोड़कर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा को स्लिप करना है पॉल वाइज, फिर चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार, फिर एक फंदा स्लिप एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, फिर से रिपीट करना है यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है। फिर से रिपीट, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे करना है, फिर एक फंदा ऐसे नीट वाइज स्लिप करना है, फिर चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार, फिर एक फंदा स्लिप नीट वाइज, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, फिर एक बार लास्ट रिपीट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे करना है, इन एक्स्ट्रा फंदा को नीट वाइज स्लिप करना है ऐसे, फिर चार फंदा उल्टा एक दो तीन चार, फिर एक फंदा फिर से स्लिप करना है नीट वाइज, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे अब एक फंदा उल्टा। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है, थर्ड रो, थर्ड रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है आज स्टिच, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फंदा और सेकेंड फंदा को दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, देखिए दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर बीच में दो फंदा सीधा एक दो, फिर से इस दो फंदों को भी एक फंदा बनाना है आगे से, फिर धागा आगे करना है एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब इस एक फंदा को बिना बुने स्लिप करना है ऐसे। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, यहाँ से एक फंदा उल्टा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है, बीच में दो फंदा सीधा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है, एक फंदा उल्टा, लास्ट में पॉल वाइज आपको बिना बुने स्लिप करना है। अब ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट, धागा आगे करना है एक फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर दो फंदा सीधा एक दो, फिर से इस दो फंदों को भी एक फंदा बनाना है आगे से, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर बिना बुने एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर बीच में दो फंदा सीधा एक दो, फिर से दो फंदों को एक फंदा बनाना है आगे से, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करना है। अब यहाँ पर आपको एक फंदा को यहाँ पर हमने बिना बुने स्लिप किया था, फिर लास्ट में आपको एक फंदा इसको स्लिप करने की जगह आपको इसको सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ रो रॉन्ग साइड एंड लास्ट रो आपको एक फंदा स्लिप करना है आज स्टिच, फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को पीछे करना है, छः फंदा सीधा एक दो, ये उल्टा फंदा को सीधा बुनना है, तीन चार पाँच छ, फिर धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा, देखिए ये स्लिप फंदा को इसमें हमने यहाँ पर स्लिप किया था, इसको उल्टा बुनना है। अब यही रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर छः फंदा उल्टा सॉरी छः फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच छ, फिर एक फंदा लास्ट में उल्टा बुनना है। फिर से रिपीट, यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, धागा पीछे छः फंदा सीधा एक दो
तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा। दो बार रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट करना है। धागा पीछे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ तक तीन ही बार रिपीट हुआ है। देखिए फोर रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से फोर रो तक ही रिपीट करना है। फिर से यहाँ से आपको राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है, फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।